मोबाइल ऑन कर ले और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट, ताकि एक तो ये मसौदा आप लोगों तक आपके मोबाइल में मौजूद हो जाए, जिसका पीडीएफ तैयार है, उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, जो कुछ एनआरसी के ताल्लुक से, एनपीआर के ताल्लुक से, सीएए के ताल्लुक से जो भी कुछ नयापन होगा, नया होगा, उसकी जानकारी आप सबको मिल सके। मेरा नंबर है, नोट कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9029341778 9029341778। साथियों, आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सलाद की तरफ से ये जो सभा बनाई गई है दो विषय के ऊपर, सभी साथियों का तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एनआरसी तैयार करने वाली जो टीम मौजूद है, जो ये किताब आपके सामने पार्टी को दी गई है, जिसको कागज पर उतारने का काम, जिसने लिखने का काम किया है, वो अकबर शेख साहब हैं। और इसकी दुरुस्ती जिन्होंने की है वो शिव नारायण शर्मा जी हैं, और जिन्होंने इसको स्वरूप किया है वो सोनिका क्रांति भेद जी हैं। और हमारे बीच जो है आप सभी लोग आए हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं पहली बात तो कॉमन सिविल कोर्ट की बात करना चाहूँगा। लॉ कमीशन ने ऐलान किया है कि भाई सभी लोग राय दें। मैं समझता हूँ कि ये उल्टा काम है, बल्कि 9 साल सरकार को हो गए, 10वां होने को है। सरकार ने कॉमन सिविल कोर्ट पर एक टीम गठन करना चाहिए था, जो देश भर का दौरा करके तमाम समाज की जानकारियां इकट्ठा करनी चाहिए थी। तमाम जो यहाँ पर धर्म के लोग बसते हैं, जाति बिरादरी के लोग बसते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग बसते हैं, उन सब से मुलाकात करके जानकारी इकट्ठा करना चाहिए था, और उस जानकारी के आधार पर जो है कॉमन सिविल कोड का एक मसौदा तैयार करना चाहिए था, और मसौदा तैयार करने के बाद फिर अपोजिशन पार्टियों को, बड़े संगठनों को, बुद्धिजीवियों को, वकीलों को, जजों को, उनके सामने रखना चाहिए था सरकार ने, कि ये मसौदा सरकार ने तैयार किया है, आप लोगों से इसमें हम राय जानना चाहते हैं कि इसमें हमसे क्या गलती हुई है और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन सरकार को जो इस तरह करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं, बल्कि एक एडवर्टाइज कर दिया आम लोगों से मसौदा मांगने के, सुझाव मांगने के। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड इतना बड़ा गहरा विषय है जिस पे लोगों की राय हो पाएगी, उन्होंने उल्टा किया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 1 महीने का समय दिया है। 1 महीना तो साहब एक छोटी सी दावत लेते हैं हम, अपने कुछ पार्टी करना चाहते हैं, उनके खाने बनाने, खिलाने उलाने में समय निकल जाता है, और देश का इतना बड़ा विषय पर आप मसौदा लाने वाले हैं, ड्राफ्ट लाने वाले हैं, कानून लाने वाले हैं, और 1 महीना ये काफी नहीं है। आज इस पार्टी के बैनर तले, इस प्रोग्राम के तहत मैं भारत सरकार से आह्वान करता हूँ कि जो आपने 1 महीने का समय लिया है वो बहुत कम है, कम से कम 1 साल का समय लेना चाहिए, और फिर से आपने लोगों अपना मसौदा तैयार करिए। अपना मसौदा तैयार करने के बाद लोगों के बीच भेजिए, ताकि लोग जो है उस पर गौर कर सकें और अपनी राय दे सकें। दोस्तों, जब आसाम में हम आसाम में काम करके ये जो मसौदा बना है, ये घर में बैठकर नहीं बना है। मसौदा कोई भी घर में बैठकर नहीं लिखा जा सकता है,
बल्कि इसके लिए बहुत सारे दौरे करने पड़ते हैं, बहुत सारे मुलाकातें करनी पड़ती हैं, कानूनी सलाह लेने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, में बहुत वक्त लगता है। 2015-16 में हम आसाम में घूम रहे थे, वहाँ की दिक्कतें देख रहे थे, वहाँ के जो हालात देख रहे थे, उसको ध्यान में रख करके ये मसौदा लाने की कोशिश की गई। फिर उसी दौरान आसाम में एनआरसी चल रहा था और फिर देश भर में एनआरसी का माहौल खड़ा कर दिया गया, देश को दो हिस्से में बांट दिया गया, एक एनआरसी समर्थक और एक एनआरसी विरोधी। इन दोनों के बीच में एनआरसी की असलियत को छिपा दिया गया, कुछ लोगों को तो उत्तेजित कर दिया है कि नहीं सबको एनआरसी लाना है और इन तरह को तो बाहर निकाल देना होगा और इस डर से हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे माताएं, हमारे बुजुर्ग जो है सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल जाहिर बात है, जिन्हें डरा दिया जाएगा, हमें भी डर अगर लग जाएगा तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। ये मसौदा ना तो एनआरसी के खिलाफ वाले टीम के साथ है और ना एनआरसी के सपोर्ट वाले। ये एनआरसी मसौदा वो है जो आपके बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्ग कौन, देश की आजादी में जिन्होंने कुर्बानियां दी, लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल में गए, ये उन्होंने एनआरसी लाया हुआ है। 1950 में जब संविधान सौंपा गया इस देश को बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, उस संविधान के अंदर एनआरसी है और उसी के ऊपर 1955 में इसका कानून बनाया गया। साथियों, इस आधार पर यह मसौदा तैयार किया गया है। हम सबको एनआरसी मिल जाना चाहिए था, जब देश की सरकार हमारे हाथ में आई तो हम सबको नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हमें नागरिकता नहीं मिली। ये हमारे जितनी भी सरकारें आई हैं अब तक की, सबने आपके साथ, हमारे साथ बेईमानी की है। हमारे जो मूलभूत अधिकार है उससे दूर रखा है और छिपा के रखा गया। दूसरी बात इसमें उन्होंने और भी कमाल खराब किया है। माना कि जब हमारे बुजुर्गों ने एनआरसी का जो ये लाया है, तो जब एनआरसी कानून जब अमल में लाते पूरे देश में और उस कानून के तहत अगर कोई गड़बड़ी आती है अमल करने में, ठीक से नहीं हो पाता, तब जरूरत थी कि संशोधन करके उसमें सुधार किया जाए। आप एनआरसी इस देश में लाए नहीं, गौर करिएगा, ये खतरनाक पहलू है। आप एनआरसी देश में लाए नहीं, फिर प्रॉब्लम आपको नहीं समझा, लेकिन संशोधन आपने 7 बार किया है, ये धोखा है। आप सबको हमको पता नहीं है, 7 बार संशोधन किया। एक उदाहरण फिर से देता हूँ, कोई काम हम जब करने जाते हैं तो हमने समझा था इस तरह हम कर लेंगे, हो जाएगा, शायद काम करते हुए शायद हमें दिक्कतें आती होंगी, तो जरूरत है कि उसकी पॉलिसी को बदलने, उसकी हिकमत अमले को बदलने की, लेकिन जिस काम को आपने किया ही नहीं उसको 7 बार संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ेगी। साथियों, एनआरसी जो है ये आपका मूलभूत अधिकार है जो अब तक की सरकारों ने, इस देश की लीडरशिप ने आपको नहीं दिया है। ये मिलना चाहिए, कल मिलना है तो आज मिलना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि राजा राम खराक साहब और उनके साथी, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, दो लोग आए थे मुझसे मिलने, मैंने उनको एनआरसी का मसौदा दिया, उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि एनआरसी का जो फार्मूला है, जो मसौदा है, वो लोगों के बीच जाना चाहिए। तो हमारी बातें उनकी तय हो गई कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए और पूरी टीम वहाँ पर आएगी और बातें करेगी। साथियों, मैं मुबारकबाद देता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले ये मसौदा अभी तक नहीं गया है। दूसरी एक गुजारिश है कि आप लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराक गठ
आज से गट नाम लेना बंद कर दीजिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यही है, यही है, यही है। साथियों, दूसरी बात यह है कि गुजारिश यह है कि आज इतने लोग बैठे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरके की तरफ से ये मसौदा देश भर में, महाराष्ट्र भर में जाना चाहिए। गुजारिश करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के अंदर एनआरसी है, ये देश को पता होना चाहिए, मुसलमानों को पता होना चाहिए, SC/ST को पता होना चाहिए, आदिवासियों को होना चाहिए, दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं जो उन्हें होना चाहिए, जो डर रही है, डर के मारे ये रही है, उनके बीच ये मसौदा जाना चाहिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर का जो स्टेचू है यहाँ पर चिम्बोर में, हमने कम से कम एक दिन का वहाँ पे धरना देना चाहिए इस बैनर तले, ताकि देश को संदेशा जा सके कि ये NRC मसौदा अमित शाह का या मोदी का नहीं है, बल्कि ये वकालत करता है जो हमारे आज़ादी के दीवाने रहे हैं, जो हमारे आज़ादी के परवाने रहे हैं, जो हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका NRC लाना चाहिए इस देश के अंदर। मोदी और शाह की NRC नहीं चलेगी, NRC अगर चलेगी तो वो जो संविधान में हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने NRC बनाया उसके तहत जाएगी। तो देश को पता ही नहीं है, ये बावर कराने की कोशिश की गई है, कंफ्यूजन करने की कोशिश की गई है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस गुमराही को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के सामने बैठ करके हमने सीना खोद के बताना चाहिए कि ये हमारे बुजुर्गों का लाया हुआ ये कानून है और ये कल लागू होना है तो आज लागू होना चाहिए। तुमने छल किया है, तुमने बेईमानी की है, ये बावर कराने की जरूरत है। इतना बड़ा अधिकार जो हमसे छिपा लिया गया है, आज यहाँ पर बैठे हुए लोग कोई भी साबित नहीं कर सकते कि मैं भारत का नागरिक हूँ, एक बंदा भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आपका प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, आपका जो गृह मंत्री NRC करके नाच रहा था वो भी नहीं कर सकता है। साथियों, जरूरत है सबको NRC की, इस देश की नागरिकता मिलनी ही चाहिए, ये आपका पहला अधिकार है। साथियों, इसमें एक तस्वीर है, इस तरफ जो है भ्रष्टाचार विरोधी जागृति अभियान की तरफ से, ये लास्ट का पन्ना आपके लिए है, आपकी पार्टी के लिए है। ये उदाहरण के तौर पर ये अंदर जो मटेरियल है वो उसके बारे में है, लेकिन ये लास्ट का पन्ना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का या आप में से कोई संगठन है इसके लिए, आप प्रिंट कराइए और प्रिंट करा के लोगों में ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश करें। इसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत ना हम ले रहे हैं ना आपको लेना है, गुजारिश है कि आप लोग इसको प्रिंट कराइए। बस इतना होगा कि जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने मेहनत की है उनके नाम अंदर है, लेकिन अगर आप बांटते हैं तो ये एक पेज आपके लिए होगा, फोटो आपका होगा, मैसेज आपका होगा, संगठन का नाम नंबर आपका होगा ये। और दूसरी बात यह है कि इसको छपाने के लिए, इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ सोनिका क्रांति भी बैठी है जिन्होंने इसका स्वरूप दिया है, उनसे आप लोग संपर्क करिएगा और वो आप लोगों को छपाई में मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि NRC जो है आपका मूलभूत अधिकार है, मैं कह चुका हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आपका संविधान कह रहा है, ये हम सबको मिलना चाहिए। यदि इसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ किसी साहब को कोई सवाल होगा तो पूछेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। दूसरी बात यह है, ये मसौदा पढ़ने के बाद आप जो है हमें फोन करके या व्हाट्सएप पर इसका आप लोग सुझाव देना चाहिए। इस मसौदे के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक
एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि सबको समेटने का काम किया है। लेकिन आपके लोगों की निगाहों में, आपकी नजरों में, आपके पढ़ने के बाद यदि ये लगता होगा कि कुछ छूट गया है, तो बराए मेहरबानी हमें बताने की कोशिश करें, हम अगले इसमें जो है हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी सर, एक सवाल पूछना था। जो ये अमेंडमेंट है सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें अमेंडमेंट किया गया और वो जो अभी एनआरसी लाया गया है, तो क्या एनआरसी की जरूरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो भी उसमें भी बहुत सारी बातें है। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो क्या ये अधिकार सिटीजनशिप एक्ट में नहीं था? हाँ, लागू नहीं हुआ ना, उस एक्ट में है, आपका अधिकार है, लागू नहीं हुआ है। जी साथियों, और ये मसौदा आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इसमें बहुत आसान किया गया है। एक भी नागरिक के साथ जुर्म नहीं होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण ये दे देता हूँ कि मैं अनपढ़ रहा, गवार हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं संभाल सका, गौर करिएगा। लेकिन मेरे नाना, मेरे काका, मेरे दादा, मेरे चाचा के पास डॉक्यूमेंट है, उनका एनआरसी हो जाएगा, तो मेरा एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मैं आसमान से टपका हूँ? देश तो यही है, दादा नाना है। जब दादा नाना का अगर एनआरसी हो सकता है, तो मैं कैसे, सिर्फ इसलिए मेरा एनआरसी नहीं होगा, सिर्फ इसलिए मुझे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं संभाल सका? अफसोस का मुकाम है इस देश का कि बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये साहू फुले का देश है, यहाँ पर डिटेंशन सेंटर किसी भी हालत में इस विचार को रखने वालों के लिए मुनासिब नहीं है, इस देश के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अंदर तमाम विवरण देने की कोशिश की गई है। एक भी नागरिक, एक भी भारतीय नागरिक वंचित नहीं रह सकेगा इसके बगैर। और कोई अगर घुसपैठिया है, कोई विदेशी है, वो बच भी नहीं पाएगा इस मसौदे के तहत। ये इतना मुझे बात करनी थी आप लोगों के सामने, मैंने बात रखी, लेकिन फिर से गुजारिश करूंगा, राजा राम खरा साहब मेरी बात को याद रखिए, 15 अगस्त आ रहा है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने हम इतने ही लोग क्यों ना बैठें? चिंता नहीं है बहुत बड़ी भीड़ की, इतने लोग भी बैठते हैं पूरे देश को संदेश जाएगा, ये मैं गुजारिश करके विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।